नमस्कार दोस्तों। एक बुढ़िया दूसरे गांव जाने के लिए अपने घर से निकली। उसके पास एक गठरी भी थी। चलते चलते वो थक गई। थकान की वजह से उसे गठरी का बोझ भारी लगने लगा था। तभी उसने देखा कि पीछे से एक घुड़सवार चला आ रहा है। बुढ़िया ने उसे आवाज़ दी। घुड़सवार पास आया और बोला, क्या बात है अम्मा, मुझे क्यों बुलाया? बुढ़िया ने कहा, बेटा मुझे सामने वाले गांव में जाना है, बहुत थक गई हूँ, गठरी उठाई नहीं जाती। तू भी शायद उधर ही जा रहा है। ये गठरी घोड़े पर रख ले, मुझे चलने में आसानी हो जाएगी। घुड़सवार ने कहा, अम्मा तू पैदल है, मैं घोड़े पर हूँ। गांव तो अभी बहुत दूर है, पता नहीं तू कब तक वहाँ पहुँचेगी। मैं तो थोड़ी देर में ही पहुँच जाऊँगा, मुझे तो आगे जाना है, तो वहाँ मैं तेरा कहाँ इंतजार करने बैठूँगा। ये कहकर वह चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद वो सोचने लगा कि मैं भी कितना मूर्ख हूँ, बुढ़िया ढंग से चल भी नहीं सकती, क्या पता उसे ठीक से दिखाई भी नहीं देता हूँ। वह मुझे गठरी दे रही थी, संभव है उसमें कुछ कीमती सामान हो। मैं उसे लेकर भाग जाता तो कौन पूछता, बेकार ही मैंने मना कर दिया। तो अपनी गलती सुधारने की गरज से वो फिर बुढ़िया के पास आकर बोला, अम्मा लाओ अपनी गठरी, मैं ले चलता हूँ, गांव में रुककर तेरी राह देखूंगा। किंतु बुढ़िया ने कहा, ना बेटा अब तू जा, मुझे गठरी नहीं देनी। ये सुनकर घुड़सवार बोला, अभी तो तू कह रही थी कि ले चल, अब ले चलने के लिए तैयार हुआ हूँ तो गठरी ने दे नहीं रही, यह उल्टी बात तुझे किसने समझाई? तो बुढ़िया मुस्कुराकर बोली, उसी ने समझाई है जिसने तुझे ये समझाया कि बुढ़िया की गठरी ले ले, जो तेरे भीतर बैठा है वही मेरे भीतर भी बैठा है। अब तू लौट कर आया है, तभी मुझे शक हो गया कि तेरी नीयत में खोट आ गई है। दोस्तों, हमारे मन के विचारों की तरंगें सामने वाले के मन पर तुरंत प्रतिबिंबित होती हैं। अतः सदैव अच्छे विचारों, आदर सूचक भावनाओं से और सकारात्मक सोच से सामने वाले के लिए विचार करिए, फिर देखिए कि आपके प्रति लोगों की कैसी अभिव्यक्ति होती है। धन्यवाद दोस्तों।